कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। हालांकि ये कितना खतरनाक है इस पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन अब ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है। अगर ऐसा है तो भारत कितना तैयार है, इसे लेकर महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने BBC से बात की है। उनका कहना है कि भारत में संक्रमण के मामलों में शायद ज्यादा तेजी देखने को ना मिले, क्योंकि शोध बताते हैं कि ज्यादातर भारतीयों में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं और हर वयस्क में चौथे पांचवें व्यक्ति का आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना ही खुश होने के लिए काफी नहीं है। 2020 की शुरुआत में जब महामारी पहुंची थी तो उम्मीद जताई गई थी कि कड़ाई से लागू किया लॉकडाउन सरकार को कम स्टाफ और कम बजट वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने का मौका देगा। टॉप लीडरशिप और वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति निर्माता बार बार दोहराते रहे हैं कि पहले लॉकडाउन का एक मकसद था। इसके बाद जुलाई 2021 में सरकार ने दूसरे कोविड-19 पैकेज की घोषणा की ताकि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा सके, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये राशि बहुत कम है और सरकार के एक्शन में कोई तेजी नजर नहीं आती है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 2017 में की गई थी, जिसमें 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च कुल GDP के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसके बाद से इस मद में बेहद कम बढ़ोतरी देखी गई है। 2022 के वित्त वर्ष के आखिर तक GDP का 1.3% ही खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और ये साफ तौर पर लक्ष्य को पूरा करते नहीं दिख रहा है। सरकार अक्सर दावा करती रहती है कि उसकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है, लेकिन कई न्यूज रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ये योजना उन बहुत कम ही लोगों की मदद कर पा रही है जिन्हें इसकी बेहद जरूरत है। चुनौती इससे भी बहुत बड़ी है और ये महामारी के बाद भी जारी रहेगी, तो भारत को क्या करना चाहिए? चंद्रकांत लहरिया सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली के जानकार हैं। वो कहते हैं कि पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि वो स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक आयोग गठित करे जो महामारी के खिलाफ काम का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करे। दूसरा काम ये है कि भारत को दोबारा ये वादा करना चाहिए कि उसे अपने स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। अगर इस वादे में अगले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकारें काम करती हैं तो देश स्वास्थ्य सिस्टम में बेहद मजबूत होगा। तीसरा काम सरकार को ये करना चाहिए कि सभी नीति निर्माता स्वास्थ्य और तकनीकी विशेषज्ञों को विज्ञान संचार में ऐसा ट्रेन किया जाए ताकि गलत सूचनाओं और डर को फैलने से रोका जा सके। चौथा काम, भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को महामारी के लिए तैयार करना चाहिए। पांचवें काम में भारत को सभी स्तरों पर हेल्थ वर्कफोर्स के खाली पदों को तुरंत भरने की जरूरत है और ग्रामीण और शहरी इलाकों में जरूरत के आधार पर एक विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है और उन जगहों को अहमियत देने की जरूरत है जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत है। चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि ओमिक्रोन वेरिएंट के उभरने को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें देश की तैयारी को देखने की जरूरत है कि कैसे देश में कोविड टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और वयस्कों का टीकाकरण हो रहा है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सतर्क रहने की भी जरूरत है। नए वेरिएंट के आने के कारण वैक्सीन डोज के इंटरवल्स, बूस्टर्स या स्कूलों के खोलने बंद करने को लेकर कोई फैसला तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी फैसलों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आकलन करने के बाद ही लिया जाना चाहिए।